We're going to hit the March 2024 biggest crash is coming. पिछले एक साल में निफ्टी और सेंसेक्स ने लगभग 20% के रिटर्न्स दिए हैं, और जब इंडेक्स इतने रिटर्न्स दे रहा है तो फिर इंडिविजुअल स्टॉक्स कैसे पीछे रह सकते हैं। और इसी वजह से पिछले 6 महीने में बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जिन्होंने 200-300% के रिटर्न्स दिए हैं, जिसमें से कुछ स्टॉक्स के नाम तो शायद आपको पता भी होंगे, जैसे कि RVNL, PNB, बैंक ऑफ बड़ौदा, टाटा पावर, सुजलॉन, इरकॉन इंटरनेशनल एक्सेट्रा। बट जनरली जब भी इस तरीके का मोमेंटम हमें मार्केट में देखने को मिलता ना, तो उसके बाद एक बड़ा क्रैश आता है। तो क्या अब दोबारा से मार्केट क्रैश कर सकते हैं? क्या कुछ ऐसे साइंस होते हैं जिनसे हम मार्केट में ट्रेंड रिवर्सल या फिर मार्केट क्रैश का पता कर सकते हैं? और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर हमें मार्केट में कोई क्रैश या ट्रेंड रिवर्सल देखने को मिलता है तो उसको हम टैकल कैसे कर सकते हैं। तो यही सब हम आज की वीडियो में समझेंगे। तो अगर आप मार्केट क्रैश के टाइम पर हड़बड़ी में शेयर्स को बेचकर लॉस नहीं करवाना चाहते हो अपना, तो फिर इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो देखो, अगर हम अभी इंडियन स्टॉक मार्केट को ध्यान से देखें तो आपको दिखाई देगा कि ये अपने ऑल टाइम हाई के आसपास है। तो इसी से रिलेटेड सबसे पहले तो आप ये एक चार्ट देखो। ये चार्ट हमें बताता है कि असली में हम जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, ये मार्केट में किस तरीके से चलते हैं। तो देखो, इस चार्ट में आपको दिखाई दे रहा है कि सबसे पहले मार्केट में ऑप्टिमिज्म आता है। ऑप्टिमिज्म का मतलब क्या है? मतलब हम सबको लगता है कि मार्केट बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा, मार्केट में एक उम्मीद होती है। और जब रिटेल इन्वेस्टर्स को लगता है कि फ्यूचर में मार्केट अच्छा परफॉर्म करेंगे, तो उस टाइम पर उनके मन में जो उम्मीद होती है ना, इस वजह से वो मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। और जब सब लोग मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो हमें सही में मार्केट में ग्रोथ देखने को मिलती है। और ये वो टाइम भी होता है जब जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, यानी जो FIIs और DIIs हैं, वो भी मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। तो एक तो बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट कर रहे हैं, दूसरे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिससे मार्केट बढ़ रहा है। तो ऐसे में जो लोग दूर से मार्केट को देख रहे होते हैं ना, उन्हें भी लगता है कि कहीं हाथ से मौका ना निकल जाए, तो वो भी ऐसे में इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं। अब जब मार्केट में इस तरीके का ऑप्टिमिज्म होता है ना, और सबको लगता है कि मार्केट अच्छा परफॉर्म करेगा, तो उस टाइम पर सभी का जो एक्साइटमेंट लेवल होता है वो बहुत ऊपर जा रहा होता है। लोग और ज्यादा मार्केट में पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, और क्योंकि जो FIIs हैं वो भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो इस टाइम पर आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स देखने को मिलते हैं। और जब मार्केट में आपको बहुत ज्यादा रिटर्न्स बहुत शॉर्ट टाइम में देखने को मिलते हैं, उस टाइम पर आपको मार्केट में मजा आ रहा होता है, आपको थ्रिल मिल रहा होता है मार्केट में इन्वेस्ट करने से। और ये सब देखकर वो इन्वेस्टर्स जो अभी वेट कर रहे थे, जिन्हें लग रहा था कि कुछ होगा तो तब बाय करेंगे, जो बहुत सबल के चल रहे थे, उनको भी लगता है कि कहीं मौका हाथ से ना निकल जाए, और वो भी मार्केट में पार्टिसिपेट करना शुरू कर देते हैं। मतलब मार्केट में यूफोरिया का फेज आ जाता है, सब मार्केट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सब बहुत खुश हैं क्योंकि सबके रिटर्न्स बन रहे हैं। लेकिन इस टाइम के होने तक ना, मार्केट जो है वो ओवरवैल्यूड हो चुका होता है। और जैसे ही मार्केट थोड़ा बहुत ओवरवैल्यूड होने लगता है, तो सबसे पहले जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं वो सेलिंग करना शुरू कर देते हैं। और जब वो हैवी क्वांटिटी में सेलिंग कर रहे होते हैं, जिस वजह से हमें मार्केट में एक रिट्रेसमेंट देखने को मिलता है, और कई बार इससे मार्केट भी क्रैश होते हैं क्योंकि FIIs और DIIs सेलिंग कर रहे हैं। और ऐसे टाइम पर जिसने सिर्फ यूफोरिया में आकर मार्केट में इन्वेस्ट किया था ना, वो मार्केट में फंस जाते हैं, और कई बार उन्हें अच्छे खासे नुकसान देखने को मिलते हैं। अब ये जो हमें मार्केट क्रैश देखने को मिलता है, या फिर जो हमें लॉन्ग रिट्रेसमेंट देखने को मिल रहा है ना, ये बेसिकली दो वजह से होता है, जिसमें पहला रीजन तो आपको पता ही है, मार्केट का ओवरवैल्यूड होना, जिसकी वजह से FIIs और DIIs सेलिंग कर रहे हैं और इस वजह से मार्केट गिर रहा है। और दूसरा रीजन जो मार्केट क्रैश का हो सकता है वो है रिएक्शनरी। मतलब अगर मान लो कोई वॉर डिक्लेयर हो गई, या फिर कोविड जैसा कोई पेंडेमिक आ जाता है, तो उस रिएक्शन की वजह से भी मार्केट गिरते हैं। इसके अलावा अगर मान लो कोई स्कैम हो जाता है, तो उसकी वजह से भी कई बार हमें मार्केट देखने को मिलते हैं। लेकिन देखो, इस तरीके के जो इवेंट्स है ना, ये बहुत ज्यादा रेयर है। मार्केट में बड़े बड़े स्कैम हमें बहुत कभी कभार ही देखने को मिलते हैं, वॉर जैसी न्यूज भी बहुत कभी कभार ही आती हैं। यानी जो ज्यादातर केस में मार्केट के क्रैश होने का रीजन है ना, वो होता है मार्केट का ओवरवैल्यूड होना। तो अगर हमें किसी भी तरीके से ये पता चल जाए कि मार्केट कहां पर ओवरवैल्यूड है, तो ऐसे में हम यूफोरिया में ना आकर गलत डिसीजन लेने से बच सकते हैं, और अपना नुकसान होने से भी बचा सकते हैं। तो कुछ ऐसे साइंस हैं जो कि मार्केट क्रैश होने से पहले ही हमें बता सकते हैं कि मार्केट क्रैश होने वाला है, और ऐसे में आप सही डिसीजन लेकर अपना नुकसान होने से बचा सकते हैं। तो चलिए अब उन साइंस के बारे में समझते हैं। तो सबसे पहला साइन है जिससे हम मार्केट क्रैश होने से पहले उसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं,
वो है कि आपको अचानक से ना मार्केट में वॉलेटिलिटी देखने को मिलती है। मतलब आपको अचानक से मार्केट में दोनों तरफ के सडन मूवमेंट्स देखने को मिलते हैं, कभी मार्केट बहुत तेजी से बढ़ जाता है, कभी बहुत तेजी से गिर जाता है। तो ये हमें मार्केट को लेकर लोगों के अंदर जो अनश्योरिटी है उसको शो करता है। और जब लोग मार्केट को लेकर अनश्योर हैं, उन्हें कोई भरोसा नहीं है मार्केट का, तो ऐसे में अगर छोटी सी भी खराब न्यूज आ जाती है ना, तो वहां पर मार्केट गिर जाता है। इसको 2020 के मार्केट क्रैश के एग्जाम्पल से समझते हैं। तो सितंबर 2017 से लेकर जब तक कोविड आया था, यानी जनवरी 2020 तक, सेंसेक्स में हमें लगभग 10,000 पॉइंट्स की ग्रोथ देखने को मिली थी। अब अगर हम इस ग्रोथ को थोड़ा पार्ट्स में डिवाइड करके देखें, तो आपको दिखाई देगा कि सितंबर 2017 से लेकर जनवरी 2018 तक सेंसेक्स लगभग 15% बढ़ा था, बट उसके अगले सिर्फ दो महीने में ही सेंसेक्स 8.3% तक करेक्ट कर गया था, जिससे हमें समझ आता है कि शायद सेंसेक्स उस लेवल पर सस्टेनेबल नहीं था। अब इसके बाद जो सेंसेक्स का उस टाइम का लो था, यानी मार्च 2018 से लेकर अगर हम अगस्त 2018 तक देखें, तो इस टाइम पीरियड में भी सेंसेक्स 17.2% बढ़ गया था, बट उसके बाद अक्टूबर तक वापस हमें सेंसेक्स में 10.8% का करेक्शन देखने को मिला था। इसके बाद फिर से अक्टूबर 2018 से मई 2019 तक सेंसेक्स ने 15% के रिटर्न दिए, और उसके बाद अगस्त तक वापस ये 6% गिर गया। मतलब बार बार सेम साइकिल रिपीट हो रही थी। पहले सेंसेक्स कुछ ही महीने में बहुत तेजी से बढ़ रहा था, और उसके बाद कुछ ही महीने में बहुत तेजी से गिर जा रहा था। इसके बाद जनवरी तक सेंसेक्स बढ़ा और उसने अपना ऑल टाइम हाई बनाया, और उसके बाद जैसे ही कोविड की न्यूज आई, तो मार्केट पहले धीरे धीरे थोड़ा वीक हुआ, और जैसे ही इंडिया में लॉकडाउन अनाउंस हुआ, तो उसके बाद तो मार्केट बहुत तेजी से क्रैश कर गए थे, जिसमें सिर्फ एक महीने में ही मार्केट 28% से भी ज्यादा गिर गया था। अब देखो, कोविड के टाइम पर मार्केट के गिरने के पीछे एक रीजन तो रिएक्शनरी था, लेकिन इसके पीछे एक दूसरा रीजन भी था, और वो था मार्केट का ओवर वैल्यूड होना। तो इससे हमें पता चलता है कि उस टाइम पर मार्केट पहले से ही यूफोरिया में था, जिसमें अचानक से उसमें तेजी आती थी, फिर तेजी से वो गिर जाता था, यानी कोई भी शॉर्टी नहीं थी मार्केट में, और मार्केट बहुत ही हेसिटेशन के साथ ऊपर की तरफ मूव कर रहा था, और साथ में जो विक्स था, जो कि मार्केट की वॉलेटिलिटी को दिखाता है, वो भी काफी ज्यादा बढ़ गया था, जिससे हमें पता चलता है कि उस टाइम पर मार्केट में वॉलेटिलिटी थी। तो आपको जब भी मार्केट में बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिलती है, तब आप ये मान के चल सकते हैं कि उस टाइम पर मार्केट करेक्ट हो सकता है। और मार्केट की वॉलेटिलिटी को अगर आप पता करना चाहते हैं, तो इंडिया विक्स नाम का एक इंडिकेटर है, जिससे आप ये पता कर सकते हैं। और इवन आप गूगल में सर्च कीजिए इंडिया विक्स, आपको इसका चार्ट देखने को मिल जाएगा, और ये अगर कभी आपको 20 से ज्यादा देखने को मिलता है, तो वहां पर चांसेस हैं कि मार्केट करेक्ट हो सकता है। अब इसके बाद जो सेकंड पैरामीटर है, उससे भी हमें मार्केट में होने वाले करेक्शन के बारे में पता चल सकता है, और वो है गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड्स। अब यहाँ पर दो कंडीशन में मार्केट करेक्शन के लिए बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है, जिसमें पहली कंडीशन है गवर्नमेंट बॉन्ड्स में हाई इंटरेस्ट का मिलना, और दूसरी कंडीशन है 1 ईयर के गवर्नमेंट बॉन्ड और 10 ईयर के गवर्नमेंट बॉन्ड के इंटरेस्ट रेट में गैप का बहुत ही कम होना। मैं जानता हूं कि आपको थोड़ा सा टेक्निकल लग रहा होगा, तो चलिए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो हमारे पास तीन तरह के इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जिसमें पहला है 1 ईयर बॉन्ड, दूसरा है 10 ईयर गवर्नमेंट बॉन्ड, और तीसरा है इक्विटी यानी स्टॉक मार्केट। तो आप देखो, 1 ईयर एंड 10 ईयर के जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं, ये एक तरह से ऑलमोस्ट रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट होती हैं। लेकिन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना, यानी जो इक्विटी है, वो एक रिस्की ऑप्शन है। तो अगर मैं आपको कहूं कि आप अपने पैसे पे रिस्क लेना चाहते हो, या फिर आप सेफ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, तो जाहिर सी बात है कि आपकी पहली जो प्रेफरेंस होगी, वो सेफ इन्वेस्टमेंट करना ही होगी। तो अगर गवर्नमेंट अपने बॉन्ड्स पर इंटरेस्ट रेट को बढ़ाती है, तो ज्यादातर लोग गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करेंगे। तो ऐसे में जो लोग ज्यादा इंटरेस्ट के लिए पहले स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने वाले थे, अब वो गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करेंगे, जिससे स्टॉक मार्केट में पहले के कंपैरिजन में कम पैसे इन्वेस्ट होंगे, और ऐसे ही टाइम पर हमें एक रिट्रेसमेंट देखने को मिल सकता है। अब सेकंड सिनेरियो भी कुछ ऐसा ही है, जिसमें जो लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स की यील्ड हैं, वो लगभग एक बराबर हो जाते हैं। तो ऐसे में लोग क्या करते हैं, वो शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं, जिससे ना तो स्टॉक मार्केट में पैसा जाता है, और ऊपर से हमारी इकोनॉमी में भी अनसर्टेनिटी बनी रहती है। तो ऐसे में भी मार्केट के क्रैश होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि अगर कोई भी नेगेटिव न्यूज आ जाती है, तो पहले ही मार्केट में पैसे नहीं आ रहे हैं, तो उससे और ज्यादा मार्केट को नुकसान हो सकता है। तो हमेशा गवर्नमेंट बॉन्ड्स और बाकी जो इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जैसे कि FD वगैरह, इनके इंटरेस्ट रेट्स पर भी नजर बनाए रखा कीजिए।
अब जो थर्ड साइन है वो हमें मिलता है ब्रॉडर इंडाइसेस के ट्रेंड को देखकर। ये एक ऐसा तरीका है जिससे हम बहुत ही आसानी से ओवर वैल्यूएशन बिहेवियर का पता कर सकते हैं। इसमें हम बेसिकली करते क्या है कि जो नैरो इंडाइसेस हैं उनको ब्रॉडर इंडाइसेस से कंपेयर करते हैं। जैसे BSE का सेंसेक्स है जिसमें 30 स्टॉक्स होते हैं, तो इसको जो ब्रॉडर इंडाइसेस हैं जैसे कि BSE 100, BSE 500, हम इनसे कंपेयर करके देखते हैं। सिमिलरली NSE का जो निफ्टी 50 है उसको हम निफ्टी 100 और निफ्टी 500 जिसमें 500 स्टॉक्स होते हैं उससे कंपेयर करके देखते हैं। और अगर कंपेयर करने पर हमें दिखाई देता है कि जो नैरो इंडाइसेस हैं और जो ब्रॉडर इंडाइसेस हैं, इसमें से नैरो इंडाइसेस में हमें ब्रॉडर इंडाइसेस के कंपैरिजन में बहुत तेज ग्रोथ देखने को मिल रही है, तो इससे हमें समझ आता है कि मार्केट कुछ स्पेसिफिक स्टॉक्स में ही अपना ज्यादातर पैसा एक्यूमुलेट कर रहा है। तो अगर ज्यादातर लोग कुछ स्पेसिफिक स्टॉक्स में ही अपना पैसा डाल रहे हैं तो ये भी एक नेगेटिव साइन है और इससे भी हमें पता चलता है कि मार्केट क्रैश कर सकता है। चलिए इसे भी एक एग्जांपल से समझते हैं। तो देखिए अप्रैल 2020 से लेकर नवंबर 2021 तक सेंसेक्स में हमें एक मैसिव ग्रोथ देखने को मिली थी जो कि 100% के आसपास की थी। बट अगर हम इसे BSE 100 और BSE 500 से कंपेयर करें तो BSE 100 में हमें 93% और BSE 500 में हमें 84% की ग्रोथ देखने को मिली थी, यानी दोनों की ग्रोथ में काफी डिफरेंस था। तो इससे हमें थोड़ा आइडिया मिल सकता है कि सेंसेक्स अभी ओवरवैल्यूड है। तो ये कुछ मेजर साइंस हैं जिनसे आप ये पता कर सकते हैं कि फ्यूचर में मार्केट क्रैश कर सकता है। बट इसके अलावा कुछ और फैक्टर्स भी होते हैं जिनको भी आपने ध्यान देना चाहिए, जैसे FIIs और DIIs यानी जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, ये जब मार्केट में पैसा डालते हैं और जब मार्केट से पैसा निकालते हैं तो उस टाइम पर भी हमें बड़े मूव मार्केट में देखने को मिलते हैं, तो आपको इनका भी ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा चार्ट पैटर्न्स, कैंडलस्टिक पैटर्न्स, ये भी साइकोलॉजी के हिसाब से ही बने हैं, तो इनको भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। बट इन सब से हटकर जो मार्केट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो होता है सेंटिमेंट। आपने कई बार देखा होगा कि स्टॉक टेक्निकली भी अच्छा है, फंडामेंटली भी अच्छा है, लेकिन उसके बावजूद हमें उसमें करेक्शन देखने को मिलता है, तो ये सब सेंटिमेंट्स की वजह से होता है। तो मार्केट को लेकर अगर लोगों के अंदर पॉजिटिव सेंटिमेंट्स हैं तो वहां पर मार्केट बढ़ सकता है, और अगर नेगेटिव सेंटिमेंट्स हैं तो वहां पर मार्केट गिर सकता है। बट ये जो सेंटिमेंट्स हैं ये आते कैसे हैं? तो ये आते हैं किसी न्यूज की वजह से, किसी गवर्नमेंट पॉलिसी की वजह से। तो मार्केट को लेकर बाकी लोगों के क्या सेंटिमेंट्स हैं आपने इसका ध्यान रखना है। बट हमारे लिए अभी सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि क्या मार्केट ओवरवैल्यूड है और क्या 2024 में मार्केट क्रैश कर सकता है। तो इसका जवाब देने से पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अगर आप ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग के लिए बेस्ट डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो कुछ अच्छे डीमैट अकाउंट के लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन पे दे रखे हैं, तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लीजिएगा। तो अगर हम सभी साइंस को देखें तो बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जिनकी जो वैल्यूएशन है वो अभी हाई तो है, लेकिन 2024 में हमें कोई क्रैश देखने को मिल सकता है इसके चांसेस बहुत कम है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मार्केट में कोई 10-15% का रिट्रेसमेंट नहीं आ सकता, वो कभी भी आ सकता है, लेकिन अगर इंडिया की लॉन्ग टर्म ग्रोथ को देखें तो अगर कोई रिट्रेसमेंट आता है तो वो बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए रहेगा, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से जो फ्यूचर ग्रोथ के नंबर्स हमें देखने को मिले हैं वो बहुत ज्यादा बड़े हैं और उसका जो इम्पैक्ट है वो हमें लॉन्ग टर्म में देखने को मिलेगा। यानी अगर आपका लॉन्ग टर्म विजन है तो आपको छोटे मोटे रिट्रेसमेंट से डरना नहीं है। तो हमने करेक्शन की बात तो कर ली है, बट अगर कभी भी करेक्शन आता है तो उस करेक्शन को आप टैकल कैसे करेंगे, चलिए अब ये समझते हैं। तो देखो सिर्फ 3 पॉइंट्स को फॉलो करके आप बड़े से बड़े करेक्शन से अपने पोर्टफोलियो को बचा सकते हैं, जिसमें सबसे पहला पॉइंट है कि आपके पोर्टफोलियो में आखिर है क्या। ये क्वेश्चन सबसे पहले आपने अपने आप से पूछना है कि आपके पोर्टफोलियो में जो स्टॉक्स हैं उनको आपने पूरा फंडामेंटली एनालाइज करने के बाद खरीदा है या फिर सिर्फ यूफोरिया में आके खरीदा है, यानी आपको दिखाई दे रहा है कि ये वाला जो स्टॉक्स है ये तो बहुत तेज रिटर्न्स दे रहा है, अगर नहीं मैंने इसको बाय किया तो मेरे हाथ से मौका निकल सकता है, ये सोच के आपने खरीदा है। तो अगर आपके पोर्टफोलियो में वो स्टॉक्स हैं जो कि फंडामेंटली स्ट्रांग है तब तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर कुछ ऐसे स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में हैं जिनको आपने सिर्फ ये सोच के खरीदा है कि यार इसमें बहुत ज्यादा रिटर्न्स मिल रहे हैं कहीं मौका हाथ से न निकल जाए, तो फिर इस केस में आपको इन स्टॉक्स पे थोड़ा दोबारा से सोचने की जरूरत है, और अगर आपको लगता है कि वो स्टॉक सही नहीं है तो फिर आपको उन स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो से जल्दी के जल्दी हटाना चाहिए, क्योंकि जब भी रिट्रेसमेंट आएगा तब सबसे पहले जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो इन्हीं स्टॉक्स में देखने को मिलेगा। अब इसके बाद जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो है
एलोकेशन। अब देखो, अगर कभी मार्केट में रिट्रेसमेंट आता है ना, तब तो मैं बहुत खुश होता हूँ, जब मैं अच्छे शेयर्स को सस्ते में खरीद सकता हूँ। तो अगर आप भी एक वैल्यू इन्वेस्टर हैं, तो आपके पास भी ये मौका होगा अच्छे शेयर्स को सस्ते में खरीदने का। तो अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा स्टॉक है जो ओवरवैल्यूड हो चुका है और वो आपके पोर्टफोलियो में है, तो ऐसे में अगर आपको लगता है कि रिट्रेसमेंट आ सकता है, तो उस स्टॉक की आप सारी होल्डिंग्स बेचने की जगह उसमें से 40 या 50% जो अमाउंट है उसको आप निकाल सकते हैं, ताकि अगर मार्केट क्रैश करे तो आप स्टॉक्स को सस्ते में खरीद पाएं। क्लियर कर दूं कि मैं आपको ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूं कि आप अपने स्टॉक्स बेचकर पैसे बचा कर रखो, क्योंकि अभी जब बुलिश मार्केट चल रहा है तो ऐसे में मार्केट से दूर रहना तो सबसे बड़ी बेवकूफी है। बट अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से आप फ्यूचर ग्रोथ के लिए भी अपने पास पैसे रखें। अब यहां पर एक बार कमेंट करके बता देना कि आपको क्या लगता है कि कौन सा ऐसा स्टॉक है आपके पोर्टफोलियो में जो कि ओवरवैल्यूड हो चुका है और उसकी प्राइस गिर सकती है। और फाइनली लास्ट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आपको किसी भी क्रैश को सर्वाइव करना है, और वो है अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना। अगर आपके पास 1,00,000 रुपए है, वो सारा पैसा आप स्टॉक मार्केट में मत डालो, उस पैसे को डाइवर्सिफाई करो। कुछ पैसे को अपने बैंक में भी रखना है, कुछ पैसे को आप गोल्ड में डाल सकते हो, कुछ को डेट इंस्ट्रूमेंट्स में डाल सकते हो, बॉन्ड्स में डाल सकते हो, और तब जाके कुछ जो पैसा है उसको आप इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इससे आपका जो पोर्टफोलियो है वो वेल डाइवर्सिफाइड रहेगा। और ऐसे में अगर मान लीजिए हमारा जो इक्विटी है उसमें हमें क्रैश देखने को मिलता है, तो जनरली जो गोल्ड है वो इक्विटी के इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है, तो ऐसे में गोल्ड आपका जो पोर्टफोलियो है उसको बैलेंस कर सकता है। तो हमेशा अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करें। और अगर आप स्टॉक मार्केट के बारे में डिटेल में सीखना चाहते हैं, तो यहां पर आपको एक प्लेलिस्ट देखने को मिल रही है, आप इस प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कीजिएगा। इस तरीके की और वीडियोस देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और डीमैट अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है। धन्यवाद।